दोस्तों, पुराना गोबर के मिट्टी को दोबारा कैसे ठीक कर सकते हैं और उससे भी ज़्यादा अच्छा मिट्टी बन जाएगा, ये हल्दी है। जो कि हम लोग का खाने वाला हल्दी होता है, हल्दी मिट्टी का अगर न्यूट्रिशन की कमी है तो वो भी पूरा कर देता है। तो हल्दी हम लेंगे आधा चम्मच, क्योंकि हमारा 6 बाई 12 का ग्रो बैग है, तो आधा चम्मच हम हल्दी मिक्स करेंगे इसमें। और ये मिट्टी को हम निकाल के एक दिन धूप में रख दिए थे, उसके बाद हम मिक्स कर रहा हूँ मिट्टी जब सूख गया तो ये आधा चम्मच हमने हल्दी चूना लेंगे, सॉरी चूना, जो बुझी हुई चूना होता है। चूना हम लोग मिट्टी में अगर कैल्शियम की कमी है तो वो पूरा करता है। तो ये मिट्टी को हम गोलो बैग से निकाल के एक दिन धूप में रखे थे, और मिट्टी जब सूख गए उसके बाद हम एक दिन बाद हम हल्दी और चूना मिक्स कर रहा हूँ इसमें। इसके बाद एक दिन धूप में डालने के बाद फिर हम इसमें मिक्स करेंगे गोबर का खाद, जो कि डिकम्पोज हो चुका है, पुराना गोबर का खाद को हम मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद फिर इसको हम ग्रो बैग में भर कर रखेंगे एक दिन। उसके बाद हम इसमें फिर पौधा लगाएंगे, जो भी पौधा, लाल साग लगा सकते हैं, लाल साग के अलावा हम लगा सकते हैं इसमें, अरे पुई के साग भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा गोबर का खाद आ गया, तो गोबर का खाद हम मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद गोबर का खाद इसमें 6 बाई 12 का ग्रो बैग में जितना मिट्टी आता है उसमें हम मिक्स करेंगे इसमें, ये मान के चलिए 20%, क्योंकि पहले भी इसमें कुछ गोबर का खाद हमने मिलाया 50% दे के बनाए थे। तो इसमें 20% हम गोबर का खाद मिक्स करेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, 20% इसमें बहुत है, क्योंकि हल्दी भी मिला हुआ है, कैल्शियम और चूना भी मिला हुआ है, और 20% अगर गोबर का खाद लेंगे तो इसमें काफ़ी है। तो 20% हमने गोबर का खाद लिए हैं और इसको बढ़िया मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको हम ग्रो बैग में भर के एक दिन छोड़ देंगे। एक दिन बाद हमने दोबारा इसको फिर से ग्रो बैग के जो हमारा मिट्टी था उससे भी ज़्यादा अच्छा काम करेगा, मतलब मिट्टी हमारा बिल्कुल उससे भी अच्छा, कोई भी पौधा इसमें लगाएंगे तो अच्छा ग्रो करेगा। तो हमारा इसमें थोड़ा सा गोबर का खाद कम था तो और थोड़ा मिक्स करेंगे हम। मिक्स करने के बाद बढ़िया मिक्स करेंगे, मिक्स करके एक दिन गोबर बैग में भर के रख देंगे, उसके बाद लगाएंगे प्लांट। तो आप भी अगर आपका पुराना गोबर बैग का मिट्टी है तो ये देखिए, मिट्टी कभी ख़राब नहीं होता है। मिट्टी में अगर फिर से आप हल्दी, चूना और गोबर का खाद मिक्स करके आप बनाते हैं तो पहले से भी अच्छा मिट्टी बन जाता है। तो कभी ये मिट्टी कभी ख़राब नहीं होता है, यही कि मिट्टी की जो ताकत है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन दोबारा हल्दी, चूना और गोबर का खाद मिक्स करेंगे, बायरी कंपोस्ट भी दे सकते हैं इसमें गोबर का खाद नहीं है तो ये मिक्स करने के बाद दोबारा मिट्टी आपका पहले से भी ज़्यादा अच्छा बन जाता है। तो मिट्टी, पुराना मिट्टी को कभी आपको फेंकना नहीं है गमले के, वो हमेशा ही हो जाएगा, अच्छे तरीके से ही हो जाएगा। तो इसके लिए हमने मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें ग्रो बैग में भरेंगे। ग्रो बैग में भरते समय एक चीज़ का ज़रूर आपको ध्यान देना है कि ग्रो बैग के जो किनारा है, किनारे नीचे वाला हिस्सा में बढ़िया हाथ से दबा के भर देना है आपको। हाथ से दबा के भरने से ये होता है कि बाद में पानी देने से मिट्टी ज़्यादा नीचे नहीं जा पाते हैं। तो पहले से अगर दबाए हुए भरेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर पहले से अगर मिट्टी को हाथ से नहीं दबाएंगे तो बाद में जाके ये तो पानी देने के बाद ग्रो बैग इधर उधर आपका अंदर की तरफ दब जाता है, तो वो चीज़ नहीं होगा। पहले से आप मिट्टी भरते जाइए और हाथ से दबाते जाइए, ठीक, तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाद में पानी डालने के बाद भी आपका ग्रो बैग एकदम सेट रहेगा। तो ग्रो बैग देखिए 6 इंच इसकी हाइट है और 12 इसकी गुलाई है। तो 6 बाई 12 का ग्रो बैग में हमारा मिट्टी, इसमें हमने हल्दी मिलाया आधा चम्मच, चूना मिलाया आधा चम्मच और 20% गोबर का खाद फिर से मिलाया। गोबर का खाद आपके पास नहीं है तो बायरी कंपोस्ट भी आप दे के बना सकते हैं। तो ये हमारा मिट्टी समझिए कि बहुत अच्छा बन गया है। उससे पहले हम क्या करते थे, इसी ग्रो बैग में ये मिट्टी था, मिट्टी को हम एक दिन पहले निकाल दिए बोरी में, और बोरी में निकाल के इसको धूप में हमने सुखा लिए हैं। मिट्टी को जब भी आप ग्रो बैग के मिट्टी दोबारा बनाएंगे तो मिट्टी को बढ़िया सुखा देंगे। गर्मी में है तो गर्मी में एक दिन में मिट्टी आसानी से सूख जाता है, और दूसरा दिन आपको चूना हल्दी मिलाना है और गोबर का खाद भी मिला देंगे। तो अब एक दिन चाहे तो चूना हल्दी मिला के एक दिन धूप में और डाल दीजिए, उसके बाद आप गोबर का खाद मिला सकते हैं।
इस तरह का बना सकते हैं, आप तुरंत ही मिला सकते हैं। उसके बाद ग्रो बैग में एक दिन मिट्टी भर के रखने के बाद अब इसमें कोई भी प्लांट लगा सकते हैं, चाहे वो लाल साग के प्लांट हो या आपका पोई का प्लांट हो, जो हाइब्रिड वाला जो भिंडी होता है, छोटा पेड़ होता है, उसको भी आप लगा सकते हैं। तो ये ग्रो बैग में काफ़ी सारा मिट्टी आता है, जो पेड़ ज़्यादा लंबा नहीं होता, थोड़ा सा हाइट में कम होता है, वो प्लांट इसमें आसानी से आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप पुराना मिट्टी को पहले से भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं और अच्छी ताकतवर आपका मिट्टी बन जाएगा, और इसमें जो भी पौधा आप लगाएंगे वो पहले से भी ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा। तो मिट्टी आपका कभी ख़राब नहीं होता, पुराना मिट्टी को कभी फेंकना नहीं, और मिट्टी आपका आसानी से इस बना लीजिए, बिल्कुल पहले से अच्छा काम करेगा मिट्टी। तो मिट्टी बनाने के एक बिल्कुल आसान तरीका है, और देखिए हाथ से थोड़ा दबा देंगे, दबाने से ये होता है कि किनारे सेट हो जाता है, तो आपका पानी देने के बाद कभी इधर उधर आपका हिलेगा, मतलब जो गोलाबाग है वो गोलाबाग दबेगा नहीं एकदम।